हाई आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब फॉर टूडेज वीडियो आई हैव सेलेक्टेड ए वेरी स्मार्ट वर्ड दैट इज डायर डायर का मतलब होता है अर्जेंट सीरियस एक्सट्रीम यानि डायर मीन्स होता है सख्त गंभीर अत्यधिक टू मेक दू यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड डायर आई है सम सेंटेंसेज एंड दीज विल गिव यू एन इनसाइट ऑफ हाउ टू मेक द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड डायर सो माई फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम इन डायर नीड ऑफ योर गाइडेंस आई एम इन डायर नीड ऑफ योर गाइडेंस यानी मुझे आपके गाइडेंस की मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है या गंभीर जरूरत है या अत्यधिक जरूरत है आई एम सॉरी आई एम इन डायर नीड ऑफ योर गाइडेंस आई एम इन डायर नीड ऑफ योर गाइडेंस तो हमारा अगला सेंटेंस जो मैंने लिया है वो है यू आर इन डायर नीड ऑफ ए चेंज तुम्हें बदलाव की चेंज की एक सख्त जरूरत है यू आर इन डायर नीड ऑफ अ चेंज यू आर इन डायर नीड ऑफ अ चेंज यू आर इन डायर नीड ऑफ अ चेंज अगला सेंटेंस हमने बनाया है आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी या आप कह सकते हैं आई एम इन डायर नीड ऑफ जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी या आई एम इन डायर नीड ऑफ जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे इस समय समय के इस पड़ाव पर समय के इस पॉइंट पर मनी की या जॉब की पैसों की या जॉब की नौकरी की सख्त जरूरत है आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या आई एम इन डायर नीड ऑफ जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू मूव अहेड हमारा अगला सेंटेंस है हिज चाइल्ड हुड वॉज पासड इन डायर पॉवर्टी इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं तो हिज चाइल्ड हुड वॉज पास्ड इन डायर पॉवर्टी यानी उसका बचपन जो है वो अत्यधिक गरीबी में सख्त गरीबी में अत्यधिक गरीबी में गुजरा हिज चाइल्ड हुड वाज पास्ड इन डायर पॉवर्टी हिज चाइल्ड हुड वॉज पास्ड इन डायर पॉवर्टी अगला सेंटेंस है गिव अप स्मोकिंग अदरवाइज यू वुड हैव टू फेस डायर है तो मतलब परिणाम और इसका अगर हम पूरा मीनिंग बताए तो होगा गिव अप स्मोकिंग स्मोकिंग छोड़ दीजिए धूम्रपान छोड़ दीजिए अन्यथा आपको इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेज यानी भयंकर परिणाम झेलने पड़ेंगे फेस करने पड़ेंगे तो गिव अप स्मोकिंग अदरवाइज यू वुड हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेज तो कहीं अगर कॉन्सिक्वेंसेज के साथ लगाना है यानी परिणाम के साथ लगाना है तो भयंकर परिणाम के लिए आ सकता है डायर कॉन्सिक्वेंसेज अगला सेंटेंस है देयर इज ए डायर नीड ऑफ़ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया यानी कि इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की यानि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के सुधार की इम्प्रूवमेंट की एक गंभीर आवश्यकता है एक अत्यधिक आवश्यकता है गंभीर यहाँ आएगा तो सेंस uh, गंभीर का रहेगा तो देयर इज़ अ डायर नीड या सख्त ज़रूरत है देयर इज अ डायर नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया इंडिया में स्वास्थ्य सुधार और uh, शिक्षा uh, के से संबंधित जो बदला इम्प्रूवमेंट uh, हैं सुधार हैं उनकी एक गंभीर या सख्त जरूरत है आई रिपीट वंस अगेन देयर इज अ डायर नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया तो इस तरह से हम डायर का डिफरेंट डिफरेंट सेंसेज में यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा वर्ड है डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कीप ऑन यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्मार्ट वर्ड डायर एंड किस तरह से यूज होगा वो हमने आपको अपने सेंटेंसेस के थ्रू बताया है अगर आपको किसी और आप भी कुछ और सेंटेंसेस अपने भेजना चाहते हैं तो यू कैन सेंड योर सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स ऑफ आवर वीडियो कीप ऑन लर्निंग द वर्ड्स न्यू वर्ड्स क्योंकि यही न्यू वर्ड्स जो हैं दैट विल इनेबल यू टू स्पीक इन इंग्लिश दैट विल एनरिच योर कन्वर्सेशन टू सम मोर एक्सटेंट एंड कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी प्लीज हिट ए लाइक टू द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो इफ यू डिसलाइक द वीडियो काइंडली सेंड यूर सजेशंस Subscribe our channel, hit a bell icon to just have the notifications of further videos in time. Keep on learning. Bye bye.